हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस। जब दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस साथ में होंगी तो उसको हम सिस्टम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस का। एग्जाम्पल देखते हैं, 3x plus 2y equals to 5। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है और सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन है 6x plus 4y equals to 10। तो हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस है तो इसको हम सिस्टम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस का। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास तीन इक्वेशंस है और ये तीनों ही लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। सो ये भी हमारा एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की। सॉल्व करने का मतलब होता है जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। जैसे इसमें x और y दो वेरिएबल है तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ये तीन इक्वेशंस हैं, वेरिएबल तीन है तो तीनों की वैल्यूज आएंगी। इक्वेशंस के वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का यूज करेंगे। तो वो मेथड के लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। फॉर्म क्या है? जो आपका इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको आप मैट्रिक्स में रखेंगे, इसको भी आप मैट्रिक्स में रखेंगे। तो देखिए कैसे, 3, 2, 6, 4 कोएफिशिएंट पार्ट हम यहाँ लिख लेंगे, उसको ए मैट्रिक्स नाम दे देंगे। जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक्स मैट्रिक्स नाम दे देंगे। देन जो लास्ट कांस्टेंट पार्ट है उसको बी मैट्रिक्स नेम दे देंगे। तो ऐसे तीन मैट्रिक्स आप, इसे मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है ए और एक्स की मल्टीप्लाई करने से आपको आरएचएस पार्ट मिलेगा जो कि बी मैट्रिक्स है। देखिए कैसे, अगर आप ए और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं इसकी नंबर ऑफ रोज के। देखिए इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x1 है। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, या नंबर ऑफ रोज हैं 2, दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी x के साथ, ऐड होगा एलिमेंट क्योंकि 3 के आगे भी एक और एलिमेंट है, ऐड करेंगे उसको दूसरे एलिमेंट के साथ 2 into y। देन नीचे आ जाएंगे 6 into x प्लस 4 into y। हमारे पास जो आरएचएस साइड है वो है 5 और 10। अब ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम एज इट इज तीन इक्वेशन वाले के लिए हमारे पास 3x3 के मैट्रिक्स बनेगी, एंड एक्स के लिए हमारे पास जो आएंगे एलिमेंट्स वो तीन वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड, और बी के लिए उसके कॉन्स्टेंट पार्ट। अब ये तो हमने देख लिया कि इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो हमारे पास जो ये फॉर्म है ये ax = b, हमें x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इक्वेशन होगी x = a inverse dot b। फ्रेंड्स, ये है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड जिसका यूज करेंगे हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जिसके लिए आपको a इनवर्स फाइंड करना होगा। ए इनवर्स हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना होगा बी मैट्रिक्स के साथ। तो ऐसे इस मेथड का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स एक्स। तो फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। इनवर्स मैट्रिक्स का यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज 3x + 4y + 7z = 14, 2x - y + 3z = 4, x + 2y - 3z = 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी राइट द गिवन सिस्टम एज ax = b। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए जितने भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट पार्ट हैं 3, 4, 7 उसको ए मैट्रिक्स में लिख लेंगे, कांस्टेंट पार्ट बी मैट्रिक्स में, एंड वेरिएबल पार्ट एक्स मैट्रिक्स में।
लिखने के बाद हमने देखा था कि हमें A inverse find out करना है, तो A inverse के लिए सबसे पहला जो step है वो है determinant find out करने का, क्योंकि determinant से हम check करेंगे कि उस matrix का inverse possible है भी या नहीं। तो start करते हैं determinant। determinant के लिए determinant form में हम A matrix को लिख लेंगे, देन उसके बाद हम साइन असाइन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट की हमारे पास वीडियो है जो आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करने के लिए देन जो फर्स्ट एलिमेंट है पॉजिटिव 3 उसको हाइड करेंगे, उसको पूरा पूरा रो और कॉलम से हाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लिख लेंगे, तो एलिमेंट आए -1, 3, 2, -3। ऐसे ही हमने बाकी 4 और 7 के लिए भी करना है, उनको हाइड करके। बाकी एलिमेंट्स हमने ऐसे लिख लिए हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। यहाँ पर इनको पॉजिटिव नेगेटिव साइन असाइन करेंगे, ये भी हमने देखा था। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास ये -1 * होगा -3 के साथ, बीच में ऊपर माइनस मिला तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, 3 * 2। फिर ऐसे ही इनको भी लिख लेंगे, लिखकर हमारे पास वैल्यू आई -1 * -3। 3 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि, देन ये 6 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास बाकी वैल्यूज आ गई हैं, 3 - 6 होगा -3, -6 - 3 होगा -9, 4 + 1 होगा 5। मल्टीप्लाई करेंगे अब इनको, मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यूज आई -9 + 36 + 35। ये दोनों मल्टीप्लाई होके नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, देन हमारे पास इनको एडिशन में आया 71। सॉल्व करके हमारी वैल्यू आई 62, जो कि एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इज पॉसिबल। डिटर्मिनेंट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कोफैक्टर्स ऑफ ए, मतलब कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कोफैक्टर्स के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 9 वैल्यूज़ होंगी। 9 वैल्यूज़ की पोजीशन होगी A11, A12, A13, देन सेकंड पोजीशन होगी A21, A22, A23 एंड लास्ट होगी A31, A32, A33। तो ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कोफैक्टर्स पर भी वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऐसे हमने हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है A11 के लिए। ये आप A11 की वैल्यूज़ कैसे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, A11 वाला जो एलिमेंट होगा उसे हाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो जो जो बचते हैं एलिमेंट्स उनको हम लिख लेते हैं। तो उन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आई -3, 9 and 5। फ्रेंड्स इसमें एक और चीज़ होता है, A11 पोजिशन है जो कि एड होके 2 मिलेगा हमें, तो इसके लिए हम यहाँ कोई साइन नहीं यूज़ करते। अगर उन दोनों का एडिशन ऑड होगा, जैसे कि 1 + 2, 3 आया, तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लेते हुए चलेंगे। ऐसे बाकी सारी पोजीशंस में भी होगा, जैसे कि A13 में नहीं होगा क्योंकि ये एडिशन हमें 4 देगा, A21 में होगा क्योंकि उनका एडिशन हमें 3 मिलेगा, एंड 2, 3 में होगा क्योंकि उनका एडिशन हमें 5 मिलेगा। ऐसे ही आपने कर लेना है कि किस किस में आपको ऑड वैल्यू मिल रही है, वहाँ आपने नेगेटिव साइन यूज़ करना है। तो आगे देखते हैं वैल्यूज़ जो आई हैं। तो ऐसे हमने बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो वैल्यूज़ हमारे पास आई, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ऑड होगा। तो वैल्यूज़ हमारे पास सॉल्व करके आ गई है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने हमें आता ही है, तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। फ्रेंड्स अगर आपको कोफैक्टर्स में कोई भी डाउट है तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैल्यूज़ आने के बाद आपने उनको पोजीशन वाइज लिखना होता है, जैसे A11 की वैल्यू आई थी -3, A12 आया था 9, A13 आया था 5। वैल्यूज़ पोजीशन वाइज लिखने के बाद आपने ट्रांसपोज का साइन यहाँ यूज़ करना है, क्योंकि एडजॉइंट ए जो होता है वो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स होती है इन कोफैक्टर्स का। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं इनको। ट्रांसपोज क्या होता है, रो हमारा कॉलम हो जाएगा, -3, 9, 5 रो कॉलम हो गया, ऐसे ही सेकेंड रो भी कॉलम हो गया, ये थर्ड रो भी कॉलम हो गया।
तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा ये एडजॉइंट ए आ गया है. अब एडजॉइंट ए भी आ गया है हमारे पास एंड डिटर्मिनेंट भी आ गया है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ए इनवर्स के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट ए की, दोनों ही हमने निकाल लिया है. हमारे पास डिटर्मिनेंट आया 62, तो 1/62. बाकी पूरा पूरा एडजॉइंट मैट्रिक्स आप यहाँ लिख लेंगे. फ्रेंड्स अभी आप इस 62 की 1/62 की मल्टीप्लाई मत कीजिएगा इस पूरे एलिमेंट के साथ ही, हम आगे देखेंगे क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ. तो ए इनवर्स आ गया है, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड अप्लाई करते हैं जो कि है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट बी. एक्स मैट्रिक्स लिख लेंगे इक्वल्स टू ए इनवर्स का पूरा मैट्रिक्स जो आया है वो लिख लेंगे डॉट. डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है ए इनवर्स और बी यहाँ है राइट साइड में, देन बी मैट्रिक्स लिख लेंगे. तो फ्रेंड्स अभी ने हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को ताकि हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाए. सॉल्व करने के लिए ये दो मैट्रिक्स आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा. सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं. इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/1. चेक करते हैं पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन या नहीं. नंबर ऑफ कॉलम इसका देखेंगे, इसका नंबर ऑफ रो देखेंगे, दोनों सेम है दैट मीन्स पॉसिबल है. और जो मैट्रिक्स आने वाली होगी जिसका ऑर्डर बनेगा वो होगा 3/1. तो जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1. मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम -3 × 14. -3 के आगे रो में एक और एलिमेंट है तो वो ऐड होगा. ऐसे ही अगर इसके आगे एलिमेंट है वो भी ऐड होगा. तो 26 × 4 + 19 × 0. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे कोई और कॉलम नहीं है तो आगे कोई और एलिमेंट नहीं होगा. वैसे भी इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा. 3/1 मीन्स 3 रो फर्स्ट कॉलम. देन अब नीचे आ जाते हैं एलिमेंट के लिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. ऐसे ही हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो हमारे पास ये सॉल्व करके आई वैल्यूज -42 + 104 + 0 126 - 64 + 0 70 - + 0. सॉल्व कर लेते हैं इनको. तो फ्रेंड्स वैल्यूज सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 62 62 62. एंड ये हमारे पास ऑर्डर होगा 3/1 का. एंड ये जो हमारे पास एक स्केलर एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ. मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 111. तो इसका मतलब हमारा जो LHS पार्ट है एक्स मैट्रिक्स वो पूरी पूरी इक्वल हो गई इसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे. हैंस हमारी वैल्यूज आई x=1 y=1 and z=1. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें. हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें. और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें. थैंक यू.